जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब कुंडली फलक के अगले उसमें विषय में हम चलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बाल अरिष्ट योग के बारे में। बाल अरिष्ट योग जैसे हम कुंडली किसी बच्चे की हमने बनाई, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, अब फलित करने से पहले एक बार हमारी नज़र पड़ जानी चाहिए कि बच्चे की उम्र क्या है। बच्चा दीर्घायु है, अल्पायु है, मध्यम आयु है, यह अरिष्ट बाल अरिष्ट है, बचपन में ही उसको प्रॉब्लम है, इसका हम देखें कैसे, बाल अरिष्ट योग आप देखेंगे कैसे, ये हमको आना चाहिए। क्योंकि बच्चा किसी कुंडली हमारे सामने कोई बच्चे के बारे में पूछने आया, पैदा हुआ, तो हमें इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि हम उसको देख इतने कुंडली बना के देख लें कि बच्चे का बाल अरिष्ट योग है कि नहीं। अगर बाल अरिष्ट योग है तो आगे बच्चे को हम बता सकते हैं, उसके परिवार वाले को, भाई इसकी कुंडली जो है एक महीने दो महीने बाद बनवा लेना, क्योंकि हमें पता है बाल अरिष्ट योग है। अगर जैसे समय उसका निकल जाता है फिर उसके बाद आप कुंडली निर्माण कराइए, नहीं तो आपकी मेहनत बर्बाद जाएगी और उसकी भी बर्बाद जाएगी। तो पहले तो आप देखें, जब कुंडली आपने बनाई, कोई आपसे पूछने आया, तो एक रफली कुंडली आप बना के देख सकते हैं कि बाल अरिष्ट योग है या नहीं है। आज मैं उसी के बारे में आपसे चर्चा करूँगा कि आप लोग बाल अरिष्ट योग देखेंगे कैसे, उसके सूत्र क्या हैं। आप दिमाग में सूत्र बिठा लोगे तो बड़े आराम से आप देख लोगे, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं। तो बाल अरिष्ट योग अनिशेषों काल में मृत्यु भय होता है, इसका योग हमें देखना है। तो बाल अरिष्ट योग जो होता है वैसे तो 24 वर्ष तक होता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि 1 से 8 वर्ष तक बाल अरिष्ट योग होता है और 8 से 20 तक वो योग अरिष्ट योग भी मानते हैं। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं, लेकिन मेनली जो पराशर जी ने कहा है कि भाई 24 तक की आयु का जो है तो बच्चे में कुछ हो जाती है मृत्यु वगैरह, उससे बाल अरिष्ट योग ही माना जाता है। तो 24 वर्ष की आयु तक का ही माना जाएगा। तो अगर ये उसका आप देखें कैसे, पहले तो देख लो कि यदि सूत्र नंबर 1 पहले कि यदि चंद्रमा लग्न से 6, 8, 12वें भाव में हो, यदि चंद्रमा लग्न कुंडली आपने बनाई उसमें जो चंद्रमा है 6, 8, 12वें भाव में बैठा हो, पाप ग्रहों से उसकी युक्ति हो या दृष्टि हो, तो वो क्या है, शीघ्र ही बच्चे की मृत्यु कर देगा, यानी मृत्यु को प्राप्त बच्चा हो जाएगा, शीघ्र ही बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। ये तो पहला सूत्र है। दूसरा समझ लीजिए, यदि शुभ ग्रह कुंडली आपने बनाई जो उसमें शुभ ग्रह हैं वो वक्री हो जाए, शुभ ग्रह वक्री होकर के 6, 8, 12वें भाव में हो और वहाँ पाप ग्रहों की दृष्टि हो, उन ग्रहों पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या उनकी युति हो जाए पाप ग्रहों से, तो भी वो बच्चे की शीघ्र मृत्यु हो जाएगी, यानी पीड़ित हो जाना चाहिए। चौथा सूत्र समझ लीजिए, अष्टम भाव में 8वां भाव जो कुंडली का होता है उसमें मंगल शनि राहु हो तो दुर्घटना का भी होता है, हाथ पैर टूटने का, हाथ के पैरों में चोट लगने का डर रहता है। 5वां सूत्र आपका है, लग्न में शनि हो, लग्न में आपका शनि बैठा हो, चंद्रमा अष्टम में हो, 3रे भाव बृहस्पति बैठे हैं, तब भी मृत्यु बच्चे के शीघ्र दे देंगे। और 6ठा सूत्र आपका है, लग्न से 10वें भाव में शनि हो, 6ठे में चंद्रमा हो, 7वें भाव में मंगल हो, तो माँ के साथ ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये 6 सूत्र हैं। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं, क्योंकि आपको इस तरह से मैंने सूत्र को समझा दिया तो, लेकिन जब तक हम एक उदाहरण के द्वारा नहीं समझाएंगे तब तक हमारे समझ में नहीं आता। तो हम लोग आपकी समझ में नहीं आ गया हमने किया क्या, सूत्र क्या है। एक उदाहरण हम लेते हैं, इस बच्चे एक कुंडली है एक बच्चे की, इसकी जिसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु का कारण क्या रहा। तो सबसे पहले जो हम सूत्र देखते हैं कि हमने सूत्र क्या कहा, यदि चंद्रमा लग्न से 6, 8, 12वें भाव में हो। अब चंद्रमा को देखिए, यहाँ किस कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, 1 भाव में, यानी 6ठे से 6ठे भाव में। तो इसको क्या कहते हैं, चंद्रमा जो है 6ठे से 6ठे बैठा, जैसे कहा ना 6ठा। तो इस तरह से भी आप देख लेते हैं कि कोई ग्रह 6ठे 8वें 12वें हो, या जैसे 6ठे से 6ठे में हो, 8वें से 8ठम में हो, 12वें से 12वें ये होगा, तब इस तरह से बैठा हो तब भी वो अशुभ फल देगा ग्रह। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 12वें भाव में 6, 8, 12 में हो, तो यहाँ हमने क्या देखा कि चंद्रमा जो है 6ठे से
छठे भाव में बैठा है या द्वादश से द्वादश भाव में वो बैठा हुआ है। उसके बाद सूत्र कहता है कि अशुभ ग्रहों उसकी युति हो या दृष्टि हो। अब चंद्रमा पे आप देखें क्या है, चंद्रमा पे किसकी दृष्टि है, चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही है केतु की, यानी ग्रहण योग बना रही है, यानी है चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो गया। फिर हम क्या देखेंगे, शुभ ग्रह, यदि शुभ ग्रह वक्री होकर के 6-8 12वें भाव में हो। अब देखना है कि शुभ ग्रह यहाँ कौन सी है, ये हमने देखा शुभ ग्रह यहाँ शुक्र बैठा हुआ छठे भाव में, छठे भाव में यहाँ बैठा हुआ है, तो ये भी यहाँ वक्री है शुक्र, तो ये कहा है कि शुभ ग्रह देवक्री होकर के 6-8 12वें में हो और अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो। ये किसके साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। यहाँ जो शुक्र है यहाँ पे एक तो शत्रु के घर में बैठा है और उसके बाद जो मार्केश है मंगल से वो पीड़ित है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो दूसरा सूत्र भी आपका यहाँ लागू हो जाता है। इसलिए बच्चे की शीघ्र मृत्यु यानी चंद्रमा लग्न पीड़ित हुआ और जो शुक्र है जो लग्नेश शुक्र है, एक तो लग्नेश कहाँ जाके बैठा, छठे भाव में, लग्नेश जो लग्न का स्वामी छठे बैठा और उस पर भी जो मार्केश मंगल है उसकी युति हो गई, तो यहाँ पे ये पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हुआ, तो इसलिए उस बच्चे की शीघ्र मृत्यु हुई। और हम सूत्र क्या कर, तो ये दोनों सूत्र इस पे इस कुंडली में लागू हुए। और इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि आप लोग और क्या देखेंगे। सबसे पहले ये देखना सीखिए कि अगर किसी कुंडली में लग्न पीड़ित हो, जैसे यहाँ लग्न है, लग्न शनि से पीड़ित है, शनि की दृष्टि है, यहाँ लग्न पे मंगल की भी दृष्टि है, तो लग्न पीड़ित है। यहाँ पे देखा आपने कि चंद्रमा पीड़ित हुआ, लग्न पीड़ित हुआ, लग्नेश पीड़ित है, यानी चंद्र लग्नेश पीड़ित होने से बच्चे की अल्पायु हुई जिससे इसकी शीघ्र मृत्यु हो गई। इसी तरह सभी कुंडलियों में देखेंगे कि कहीं अष्टम भाव या अष्टमी शुक्र जो है, अष्टमेश भी है, देखो अष्टमी शुक्र के छठे भाव में बैठा और जो मार्केश रहे उनकी युति रही छठे भाव में, तो रोग के कारण बच्चे की शीघ्र निष्ठी। यहाँ कहीं कहीं हमें चीज़ मिल रही है कि यहाँ सप्तमेश अष्टमेश की युति छठे भाव में रही, चंद्रमा जो है वो पीड़ित रहा, लग्न पीड़ित रही, इस कारण से इस बच्चे की मृत्यु हुई। इसी प्रकार और भी कुंडली में दूसरी भी कुंडलियाँ हों कि अगर ये लग्न का ये अष्टमेश लग्न में जाके बैठ जाए, छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए या द्वादशेश की से पीड़ित हो जाए, तब भी इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो आ जाती हैं। अब लग्न से दशम में जैसे स्वतंत्रता लग्न से दशम में शनि बैठा हो, दशम में लग्न से कोई लग्न में यहाँ दशम भाव में यहाँ शनि बैठ जाए, चंद्रमा या छठे भाव में आ जाए, सातवें भाव में मंगल आ जाए, तो माँ उसकी कहे माँ के साथ ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमें बाल अरिष्ट योग देखना है। मैंने आपको बताया कि इस कुंडली के द्वारा आपने क्या देखा अरिष्ट देखने के लिए, कि चंद्रमा, चंद्रमा को आप देखेंगे, चंद्रमा अगर पीड़ित है तो शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। फिर उसके बाद लग्न, लग्न क्या शरीर है, अगर लग्न पीड़ित है तो दिक्कत आ जाएगी, लग्नेश पीड़ित है, लग्न का स्वामी पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है। तो इस तरह से इस कुंडली के द्वारा हमने आपको बताया कि बाल अरिष्ट योग क्या है, उसके सूत्र आपको बता दिए। यदि चंद्रमा लग्न से 6-8 12वें भाव में हो और अशुभ ग्रहों की युति हो या दृष्टि हो तो बच्चे की शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। दूसरा सूत्र है यदि शुभ ग्रह वक्री होकर के 6-8 12वें हो जाए, जैसे शुक्र था, लग्नेश जो है छठे भाव में आकर बैठ गया भाव में हो और अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो या युति हो, यहाँ अशुभ ग्रह मंगल की यहाँ युति हो ही रही, इस वजह से बच्चे की शीघ्र मृत्यु का यहाँ योग बना। या अष्टम भाव में आपका मंगल हो, शनि हो, राहु हो, अष्टम भाव ही आपका अष्टम भाव होता है, अगर यहाँ पर मंगल शनि राहु बैठे हैं तो दुर्घटना का भय होता है और दुर्घटना से हाथ पैर पे टूटने का डर रहता है। लग्न में शनि हो, अगर किसी को जैसे यहाँ लग्न में शनि बैठा हुआ है, चंद्रमा अष्टम में हो, ये चंद्रमा यहाँ छठे से छठे चला गया, अगर चंद्रमा यहाँ अष्टम में बैठा हो, तीसरे भाव में बृहस्पति हो, बृहस्पति यहाँ आ जाए तो भी बच्चे की शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। यहाँ बृहस्पति जो है ये अष्टम से अष्टम का लॉर्ड होकर के द्वितीय भाव मार्केश में बैठा था, इसलिए भी यह मृत्यु का योग बनाया। इस तरह से हम देखते हैं वाल अरिष्ट योग निशेषो काल में मृत्यु का जो योग देखना है, कुंडली का हम विश्लेषण कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, आप लोगों को समझ में, मैं कोशिश यही करी है कुंडली बना करके
जो वारिस योग है इसको आप लोग समझें और कुंडली में अप्लाई करें और देखें कि जो हमने योग बताया है आपके समझ में आया कि नहीं आया, इसे अप्लाई करिए। इससे आप कुंडली देखने विश्लेषण करने में आपको आसानी हो जाए। वीडियो आप लोग देखते रहिए। मेरी कोशिश है कि जितने भी सूत्र हैं मैं आप लोगों को समझाता रहूँ, आप लोग उसे सीखिए और अप्लाई करिए और अच्छे ज्योतिषी बन करके समाज की आप लोग सेवा करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।